ग्रेड 11th. वेलकम टू माई चैनल. सो लेट्स स्टार्ट रिलेशन एंड फंक्शन द नेक्स्ट लेक्चर. सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ ए इक्वल्स टू 135 एंड बी इक्वल्स टू एक्स वाई, रिप्रेजेंट बी क्रॉस ए बाय एरो डायग्राम. नाउ सी व्हाट इज द एरो डायग्राम. जैसे हमने सेट थ्योरी में वेन डायग्राम की थी, अब हम यहाँ पर फंक्शन में करेंगे एरो डायग्राम. ठीक है, तो सबसे पहले हम बी क्रॉस ए डिफाइन कर लेते हैं. बी क्रॉस ए इक्वल्स टू बी ए सच डैट बी बिलोंग्स टू सेट बी एंड ए बिलोंग्स टू सेट ए. इसकी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगी उसमें क्या क्या आएगा. सबसे पहले आप बी का एलिमेंट उठाओगे, एक्स वन एक्स थ्री एक्स फाइव, राइट. देन वी हैव वाई वन वाई थ्री एंड वाई फाइव, राइट. तो ये हमारे पास बन गई है कार्टेशियन प्रोडक्ट. नाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ द एरो डायग्राम. एरो डायग्राम में आपने क्या करना है, अगर आप बी और ए को रिलेट कर रहे हो तो एक साइड में आपने बी के एलिमेंट्स लिखने हैं. ये बेटा ओवल शेप में बनाओगे, आप सर्कल नहीं बनाना, थोड़ा सा ओवल तो एक्सटेंड जैसे हम कर देते हैं इस तरह से. यहाँ पर आप नीचे लिखोगे बी, दिस इज बी एंड दिस इज ए. इट रिप्रेजेंट्स बी, इट रिप्रेजेंट्स ए. तो अब आप बी के एलिमेंट्स लिखो. सबसे पहले बी में कौन से एलिमेंट्स थे, अगर आप ए क्रॉस बी का बनाओगे तो आप ए को लेफ्ट साइड में रखोगे, बी को राइट साइड में. ठीक है, सो दिस इज़ अ न्यू टॉपिक फॉर सीबीएसई स्टूडेंट्स. आईसीएसई स्टूडेंट्स आई थिंक दे हैव डन इन 8th और 9th ग्रेड, मे बी दे हैव द चैप्टर रिलेशन. सो बी क्रॉस ए मीन्स बी के एलिमेंट्स लिखोगे एक्स वाई और ए के एलिमेंट्स 1 3 एंड 5. अब देखो सबसे पहले आपने एक्स को किससे रिलेट किया था, 1 के साथ. इस तरह से आप एक एरो लगा दोगे क्योंकि आप यहाँ से उधर को मूव कर रहे हो. नेक्स्ट इज वाई रिलेट्स टू एक्स वन, फिर एक्स थ्री, देन एक्स फाइव. ठीक है, नाउ वी हैव वाई वन वाई थ्री एंड वाई फाइव. तो इस तरह से ये आपकी एरो डायग्राम बन गई है. मीन्स हमने अपनी कार्टेशियन प्रोडक्ट को शो कर दिया है कि बी क्रॉस ए के साथ, राइट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो स्टूडेंट्स आई एम रिलेटिंग द प्रीवियस क्वेश्चन विद द रिलेशन. अभी हमने एक एरो डायग्राम ड्रॉ की थी, हमने वहाँ पर इस तरह से डायग्राम को ड्रॉ किया. मीन्स हमने हर एक एलिमेंट को दूसरे सेट के साथ रिलेट किया. ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे रिलेशन. व्हाट इज रिलेशन. रिलेशन रिप्रेजेंट्स अ कनेक्शन बिटवीन द ऑर्डर्ड पेयर. मीन्स जो भी आप ऑर्डर्ड पेयर लेते हो ए एंड बी, उन दोनों में क्या कनेक्शन है, उन दोनों में क्या रिलेशन है. ठीक है, तो जैसे रिलेशन ऑफ ब्रदर सिस्टर, रिलेशन ऑफ हस्बैंड वाइफ. तो अगर आप कोई भी ऑर्डर्ड पेयर लेते हो लाइक ए कॉमा बी, तो ए और बी में हमेशा कोई ना कोई रिलेशन होता है. जैसे बेटा आपने 10th ग्रेड में किया था ना एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस, है ना. वहाँ पर अगर कोई 1-2 पॉइंट लेते हो तो आप 1 को लेते हो एक्स एक्सेस पे, 2 पॉइंट को लेते हो वाई एक्सेस पे. तो वहाँ पर 1 और 2 में एक रिलेशन था जो कि तब आपको उस टाइम पे नहीं बताया जाता. आपको ये बताया जाता है कि ये कोऑर्डिनेट्स हैं. ठीक है, वो कोऑर्डिनेट्स भी थे, अब हम उनको क्या बोलेंगे, ऑर्डर्ड पेयर, राइट. तो ए और बी में यहाँ पर कुछ ना कुछ रिलेशन होगा जो भी आप ऑर्डर्ड पेयर लोगे. अब मैथमेटिकली रिलेशन की डेफिनेशन हम करते हैं, वो क्या है. लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, देन ए क्रॉस बी. ए क्रॉस बी किसको रिप्रेजेंट करती है, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर. जितने भी आपके ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, अगर आप दो सेट ले रहे हो, एक सेट ए ले रहे हो दूसरा सेट आप बी ले रहे हो, तो ए क्रॉस बी के जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे. एंड ठीक है, और अब रिलेशन क्या होगा. रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट. सबसेट किया ना, देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक बहुत बड़ा सारा सेट बन जाता है. अभी हमने रिसेंटली कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाई है, उसके बहुत सारे सेट बनाए हैं. उस सेट में से कुछ आपको एलिमेंट्स निकाल के दे दिए जाएं और बोला जाए कि इसको प्रूव करो कि ये रिलेशन है या नहीं. ठीक है, तो वो तो हम वैसे प्रूव प्लस टू में करेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन. अभी फिलहाल रिलेशन क्या होगा, सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट. रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट. तो अभी फिलहाल आपको सिंपल रिलेशंस हैं, ज़्यादा आपने इसमें मैथमेटिकली नहीं सोचना. आप जैसे रियलिटी में रिलेशन बनाते हो वैसे ही करेंगे. फॉर एग्जांपल, अब देखो मैंने यहाँ पर दो सेट लिए हैं, दिस इज सेट ए दिस इज सेट बी. अब मैं ए और बी सेट में रिलेशन बनाने लगी हूँ. ठीक है, तो हम रिलेशन कैसे बनाएंगे, लाइक ए इज ब्रदर ऑफ अली. ए इज ब्रदर ऑफ अली, तो हमने इस तरह से लिख दिया इस ऑर्डर पेयर को. अब दोनों में रिलेशन क्या है, ए इज ब्रदर ऑफ अली.
ठीक है, तो मैंने ऊपर ब्रदर लिख दिया. नेक्स्ट देखो, बी इज सिस्टर ऑफ श्याम, बी इज सिस्टर ऑफ श्याम. तो यहाँ पर श्याम और बी लिखा होगा तो उनमें रिलेशन क्या है, सिस्टर का. नेक्स्ट इज सी इज लाइक सी इज वाइफ ऑफ राम, सी इज वाइफ ऑफ राम. नेक्स्ट कोई और रिलेशन बना लो, डी, दीज आर द लाइक मान लो फ्रेंड्स हैं, डी एंड ई, डी एंड प्रिया आर द फ्रेंड्स. तो ये जो मैंने एरो डायग्राम बनाई है इसमें हर एक एरो एक अलग रिलेशन को शो कर रहा है, कोई ब्रदर है, कोई फादर है, कोई हस्बैंड है, वाइफ है, कोई फ्रेंड्स हैं, ठीक है. तो अभी आपको फिलहाल सिंपल रिलेशन है कि ऑर्डर्ड पेयर में आपस में एक रिलेशन सेट करना, लेकिन आपको आपने ये रियल लाइफ के रिलेशंस डिस्कस नहीं करने, हमने कुछ और डिस्कस करना है यहाँ पर. तो वहाँ पर जो रिलेशंस होंगे वो फंक्शंस से रिलेटेड होंगे, वहाँ पर ऑपरेशंस लगे होंगे, कोई प्लस हो रहा है, कोई माइनस हो रहा है, कोई डिवाइड हो रहा है, ठीक है. तो वो हम बाद में डिस्कस करते हैं, फिलहाल आपको अभी रिलेशन बेसिकली इतना ही है कि दो ऑर्डर्ड पेयर में एक रिलेशन बनाना, ठीक है. नेक्स्ट देखो, सो स्टूडेंट प्लीज राइट डाउन दिस लाइन, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, देन रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी. लाइक अगर आप इस तरह से कोई दो सेट ले रहे हो ए एंड बी, रिलेशन आर रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रॉम ए टू बी इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, या तो सबसेट होगा या फिर आप इस तरह से भी लिख सकते हो, आर सबसेट भी होगा, आर सुपरसेट भी होगा, ठीक है. ये इक्वालिटी का साइन हो गया, तो आर एग्जैक्टली इक्वल भी हो सकता है, आर उसका सबसेट भी हो सकता है. ये दोनों बातें यहाँ पर लागू होती हैं, जब कोई रिलेशन लेते हो वो क्रॉस प्रोडक्ट का सबसेट भी होगा, वो क्रॉस प्रोडक्ट के इक्वल भी होगा एंड सबसेट भी होगा, ठीक है. इन जनरल हम इसको फॉलो करेंगे, ये हमारा स्टैंडर्ड रिजल्ट है. तो बट हाँ, कई बार नहीं भी दिया होता, सुपर सेट नहीं दिया होता, सिर्फ यही बोला होता है कि सबसेट है, तो सबसेट सबसेट सुपर सेट पता ना आपको, जैसे ए इक्वल्स टू 1 2 3 और बी मैंने ले लिया 1 2, तो बी इसका सबसेट है, बी सुपर सेट नहीं है. अगर मैं बी को 1 2 3 लूँगी तब वो बी इसका सुपर सेट बनेगा, मतलब तो बिल्कुल इक्वल भी होगा और सबसेट भी होगा, ठीक है. तो ये एक बेसिक रिजल्ट है जो आपको पता होना चाहिए, MCQ आ सकता है, R इज सबसेट एंड R इज इक्वल ऑल्सो, सुपर सेट ऑल्सो एंड सबसेट ऑल्सो, बोथ द कंडीशन आर राइट. ऑप्शन देख लो वहाँ पर, जो भी आपकी सेटिस्फाई होगी तो आप वो आंसर दे दोगे.